इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गैनोडर्मा क्या है, ये हमारे शरीर में किस तरह काम करता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों का राजा क्यों कहा जाता है और इसे लेने का सही तरीका क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गैनोडर्मा एक प्रकार का मशरूम है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाइना में इसे लिंजी कहते हैं, जापान में इसे ऋषि कहते हैं, इंडोनेशिया में इसे जामुर कहते हैं और ग्लोबली ये गैनोडर्मा के नाम से फेमस है। गैनोडर्मा की स्किन बेहद चमकदार होती है। गैनो का मतलब है चमकदार और डर्मा का मतलब है स्किन, इसीलिए इसका नाम गैनोडर्मा पड़ा है। चाइना और कई और देशों ने गैनोडर्मा पे डीप रिसर्च किया है। कई हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने गैनोडर्मा पे डीप रिसर्च, एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से इसके चमत्कारी गुणों का पता हम सभी को चल पाया है। और इसी वजह से गैनोडर्मा को जीवन की बूटी भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि गैनोडर्मा को ऐसा क्यों कहा गया है। दोस्तों, गैनोडर्मा हमारे शरीर में तीन तरह से काम करता है। पहला, ये हमारे शरीर को स्कैन करता है, चेक करता है और ये पता लगाता है कि शरीर के कौन से हिस्से में गड़बड़ी चल रही है या फिर क्या बीमारी है और फिर उस पर काम करता है। जैसे हम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस का क्या काम होता है? हर एक फाइल और फोल्डर को स्कैन करना और वायरस को डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करना। सेम यही काम गैनोडर्मा हमारे शरीर में करता है। दूसरा काम, ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारा शरीर 37 ट्रिलियन सेल से बना है। सेल से बनते हैं हमारे टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन्स को मिला के बनता है हमारा पूरा शरीर। गैनोडर्मा सेल लेवल पे काम करता है। ये हर एक सेल को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और सेल्स में से टॉक्सिन को बाहर निकालता है और सेल्स को हेल्दी बनाता है। हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे तो हमारे टिश्यूज हेल्दी रहेंगे तो हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे और ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो हमारा पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। और तीसरा काम, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बैलेंस करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। हमारे शरीर में कई प्रक्रिया होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन। गैनोडर्मा इन सभी प्रक्रिया को संतुलित करता है और शरीर को सही पोषण लेने में मदद करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं गैनोडर्मा के हेल्थ बेनिफिट्स। पहला, फॉर ब्रेन हेल्थ। गैनोडर्मा ब्रेन से रिलेटेड सभी समस्याओं में कारगर होता है। इसी के साथ गैनोडर्मा के सेवन से आपको मानसिक मजबूती मिलती है, यानी कि आपकी दिमागी कमजोरी दूर हो सकती है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्रेन के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, फॉर इम्यून सिस्टम। गैनोडर्मा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्री रेडिकल से बचाने का काम करते हैं। इसके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो कि माइक्रोबियल और अन्य बीमारियों को ठीक करता है। तीसरा, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए कैंसर के मरीज गैनोडर्मा से राहत पा सकते हैं। गैनोडर्मा एक कैंसर पेशेंट के अंदर कैंसर सेल्स में एंटी कैंसर एक्टिविटी करके उन कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और उसे सप्रेस करता है। चौथा, फॉर हार्ट हेल्थ। गैनोडर्मा में हाई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये दिल के लिए बेहद अच्छा होता है। इसमें कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करते हैं। तो अगर आपको हृदय से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं। पांचवा, फॉर डायबिटीज। गैनोडर्मा वो सब कुछ देगा जो कि एक डायबिटीज के पेशेंट को चाहिए। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। ये शरीर में इंसुलिन बनाने में भी मदद करता है। छठवा, फॉर वेट लॉस। इसमें लीन प्रोटीन होता है जो कि वजन घटाने में बहुत ही कारगर होता है। मोटापा कम करने वाले लोगों को प्रोटीन डाइट पर रहने के लिए कहा जाता है, जिसमें मशरूम खाना बेहद ही अच्छा माना जाता है। सातवा, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। मशरूम में विटामिन बी होता है जो कि भोजन को ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा पैदा करता है। विटामिन बी और विटामिन B3 इस कार्य में उत्तम है, इसलिए इसका सेवन आप एक अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम को पाने के लिए भी कर सकते हैं। और आखिरी, ओरल हेल्थ। गैनोडर्मा आपके ओवरऑल ओरल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है।
दोस्तों, गैनोडर्मा आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रदान करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे लेना कैसे है। आपको गैनोडर्मा का एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद। आप इसे अगर हल्के गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे।